किशनगढ़ बाग कस्बे के महावर धर्मशाला में अलवर शक्ति अभियान को लेकर उपखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। SDM सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि कार्यशाला में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, विधायक दीपचंद खैरिया, पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख, ऐप गुरु इमरान खान, DIG स्टाम्प कमलकांत मीणा, जिला प्रमुख रमन गुलाटी, जिला पार्षद डॉक्टर चंद्रभान गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यशाला की शुरुआत में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें चमड़े से निर्मित जूतियां, जूट एवं लकड़ी से बनी खाट, कुर्सियों की स्टाल लगाई गई, जिसके पश्चात कार्यशाला में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, विधायक दीपचंद खैरिया, पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख, ऐप गुरु इमरान खान, DIG स्टाम्प कमलकांत मीणा ने अलवर युवा शक्ति की प्रथम कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अलवर शक्ति अभियान अलवर युवा शक्ति ऐप की शुरुआत की है। जिला मुख्यालय पर जिला शक्ति केंद्र तथा ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लॉक शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिले की औद्योगिक स्थिति को देखते हुए युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किशनगढ़ बास की कोलगांव में बम्बोरा दो ग्राम पंचायतों में शक्ति केंद्रों का निर्माण हो गया है। इस मौके पर परिश अनिल देशमुख ने कहा कि अलवर के युवाओं को इस ऐप की जानकारी से रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे अपराध पर रोकथाम लगेगी। ऐप गुरु इमरान खान ने कहा कि मोबाइल के सही उपयोग से ही वास्तव में दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है। कार्यशाला को DIG स्टाम्प कमलकांत मीणा, SDM सुरेंद्र प्रसाद, विकास अधिकारी बमिल राम जाट आदि ने संबोधित किया। किशनगढ़ बाग से सुनील गरेवाल की रिपोर्ट। विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई 2018 को इस अभियान के संबंध में संबोधित जानकारी प्रदत्त किए जाने के क्रम में जिले की पहली ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आज किशनगढ़ बास में आयोजित हो रही है में रखा गया है। और हमारे देश प्रदेश इस युवा वर्ग की आबादी सर्वाधिक है। यदि इस हम साथ करते हुए राष्ट्र की उन्नति के इस महत्वपूर्ण घटक को सशक्त करने के उद्देश्य से अलवर जिले के युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास, स्वरोजगार की अवधारणा, जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने तथा सकारात्मक सोच के साथ जिम्मेदारियों की जैसे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सके, इस पावन उद्देश्य के साथ अलवर शक्ति अभियान की परिकल्पना की गई। इस अभियान की कार्य योजना, प्रबोधन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन का सार्थक परिणाम सफलता प्राप्त करने के लिए जिले में प्रतिस्थापित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, युवा तथा रोजगार से संबंधित अधिकारियों व अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन, सानिध्य एवं अनुदेशन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हमें सतत प्राप्त होता है। अलवर शक्ति अभियान की सफलता जिला प्रशासन के प्रेरणात्मक नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों, प्रेस, मीडिया क्लब, स्वयंसेवी संगठनों, प्लेसमेंट एजेंसी, प्रतिनिधि औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, तकनीकी शिक्षा विभागों, बैंकों और आम नागरिकों के साथ हो सकेगी। राजस्थान औद्योगिक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनगढ़ बास को शक्ति केंद्र में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए औद्योगिक भागीदार के रूप में आगे आए हैं। इसके लिए उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेरक उद्बोधन निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि ये कैंटन कोई स्वरोजगार पदकों को कैंटन को नहीं है, बट एक ऐसी भावना आप लोगों के बीच में ये विकसित करेगा कि आप महसूस करोगे, हर व्यक्ति उनका उद्बोधन को सुनेगा जो व्यक्ति महसूस ये करेगा कि नहीं, मैं निश्चित तौर से इस परिवार का, इस समाज का, इस देश का एक आइकन हो सकता हूँ। और मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि कलेक्टर साहब ने जिस तरह से इस कैंपेन को शुरू करने के लिए अभियान के रूप में हम सबको साथ लेकर ये कैंपेन आगे बढ़ाया है, उसकी कड़ी, उसकी माला के हम जो है मोती हैं। और हमारा ये दायित्व है कि हम सब आपस में मिलकर उस माला को अलवर की माला
सहयोग अपना प्रदान करें। आईकॉन हमारे यहाँ पास आईकॉन है अलग अलग ट्रेड के हैं, क्या अभी गणेश जी ने बताया था, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना धंधा चालू किया है, वो भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। उनके द्वारा जिसके माध्यम से हम उन उद्देश्यों को अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। आप घर पर भी देख सकते हैं ऐसी चीज़ें, जब आपने कोई बड़ी सोच कर रखी है, बड़ा काम करना है, तो हमें बहुत सारे संसाधन जुटाने होते हैं। ऐसे ही अलवर सर के अभियान की सफलता के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। उसमें से एक संसाधन डिजिटल मीडिया का प्रयोग है। डिजिटल मीडिया जिससे आप अच्छे से वाकिफ हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि आज का युवा ज़्यादा उससे वाकिफ है, क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय इस 5 इंच के मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय बिताता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यह निर्णय किया कि हम इस डिजिटल मीडिया का प्रयोग, इस संसाधन का प्रयोग अलवर शक्ति अभियान में भी करेंगे, जिसके माध्यम से न केवल युवाओं को जोड़ सके बल्कि सही राह दिखा सके, उनको ऐसी चीज़ों से जोड़ सके जिससे वो आगे बढ़ सके, उनको वो रास्ते बता सके जो उनकी रुचि के अनुसार हो। और ये कार्य हम ऑनलाइन मोड में कर सकें, यानी जो जहाँ है वहीं से वो कार्य करे और जो बच्चा जहाँ है वहाँ पर उसका फायदा उठाए, जब चाहे फायदा उठाए, जैसे चाहे फायदा उठाए। ये मैं सबकी तरफ से दोनों अधिकारी जिला अधिकारियों को यहाँ आने पर इन सबकी तरफ से स्वागत करता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि आज जो ये शुरुआत आपके हाथों से हुई है, आपकी देन है, इसको मजबूती से इस दिशा में सोचते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, आप नौजवान हैं और इस दिशा में सोच रहे हैं, आगे काम करने के लिए सोच रहे हैं। साथियों, किसी भी देश को अगर ये कमजोर कर जाए तो युवा वर्ग को विफलता कर दे, उनके हाथों में कार्य जो नहीं हो तो देश होते ही धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। दूसरा और भी एक बहुत सीधा सा उपचार है, अगर ये उस देश को बिल्कुल ही बर्बाद करना है तो इस युवा वर्ग में नशे का प्रवेश कर दे, कोई भी नशा हो, धीरे धीरे इन युवा वर्ग को जोड़ दे उस नशे से, वो देश बिल्कुल बर्बाद होकर चला जाएगा। उन युवाओं को देखते हुए जो अपनी युवावस्था में कहीं ना कहीं किसी के बहकाव में, कहीं ना कहीं किसी के नशे में कोई अपराध कर बैठते हैं, और फिर जब वो एक अपराध की दुनिया में अंदर तक चले जाते हैं, तो उसमें से कई युवाओं को मैंने देखा है कि वो उसी साइकिल में बदल जाते हैं। अपराध अपराध के बाद ये, जेल के बाद जमाना, जमाने के बाद फिर अपराध, अपराध के बाद फिर जेल, जेल के बाद फिर जमाना। पर ऐसा अगर अभियान चलता है, ऐसी अगर पॉजिटिविटी आती है, ऐसा अगर उन्हें काफ़ी अच्छा काम करने की अगर प्रेरणा मिलती है, मैं समझता हूँ जो यूथ आइकन आज चिन्हित किए गए, आज मैं आकर यहाँ कोई बात कहूँ और आज यहाँ किशनगढ़वास कस्बे से, खैरतर कस्बे से कोई युवा अगर वो बात कहे, तो मैं समझता हूँ कि उसको ज़्यादा जो यूथ आइकन का चिन्हितकरण किया गया, जिनको सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ कि मसाला की तरह है कि इनको देखते हुए बाकी लोग भी प्रेरणा लगेंगे और खुद उस प्रकार के काम करने की अच्छा मैसेज मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जा रहा है। इस वर्कशॉप में बधा रहे हैं, सुबह से ही आपको सभी हमारे साथियों द्वारा कई प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अभी भी अलवर शक्ति अभियान जिले के अंदर ऐसा क्या कार्य करेगा, किशनगढ़वास ब्लॉक में ऐसा क्या काम करेगा, उसको लेके आप सभी के मन में जिज्ञासा है। क्या होगा, कैसे होगा, उससे पहले ये सवाल बहुत जरूरी है, ये काम होगा तो होगा, क्यों होगा। अलवर शक्ति अभियान की हमारे जिले में ऐसी क्या जरूरत है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। 10 साल होने को है,
और कलेक्टर चलते हुए मुझे ये छठा साल है लगातार। जैसे जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ रहा हूँ, एहसास होता है कि साहब समाज के अंदर जितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा रही है, जितने दायित्व आपके ऊपर हैं, उनको निर्वहन करने के लिए एक व्यक्ति एक पद बहुत छोटा पड़ता है। यानी कि टीम वर्क के साथ अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बदलाव लाने में सक्षम होते हैं जिसकी समाज को जरूरत है।